माननीय गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उसका उद्घाटन करके गए, और 4-5 महीने में पहली बारिश ही जो पुल नहीं झेल सका, तो उसकी गुणवत्ता तो आप सबके सामने है। इस वक्त भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार को लेना चाहिए। सबसे कल जो पुल में दरार आई है वो चूंकि स्ट्रक्चर से 60 मीटर दूर जो अप्रोच थी, अप्रोच के कारण से उसमें दरार आ गई है, और चूंकि दरार आई है तो गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह तो निश्चित रूप से लगाया उसमें, इतना कहीं गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है तो उनके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। निवाड़ी जिला में ओरछा पृथ्वीपुर के मार्ग पर बने जामनी नदी के पुल के क्षतिग्रस्त होबे के मामले में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, इस वक्त भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, और जिस बेतवा जामनी के पुल की आप बात कर रहे हैं, जामनी के पुल कल क्षतिग्रस्त हुआ। मेरे पूज्य पिताजी जिनने अपार मेहनत के बाद जैसे तैसे वो पुल स्वीकृत कराया, माननीय गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उसका उद्घाटन करके गए, और 4-5 महीने में पहली बारिश ही जो पुल नहीं झेल सका, तो उसकी गुणवत्ता तो आप सबके सामने है। और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोग कहते हैं टेक्निकल मिस्टेक होगी, पर आप सोचिए कि उस पर कितने वाहन रोज़ निकलते हैं। ओरछा एक धार्मिक नगरी है, हज़ारों श्रद्धालुओं का रोज़ उस पर से निकलना है, हज़ारों वाहनों का रोज़ उस पर से निकलना होता है उन पुलों के ऊपर से, और कल को कोई हादसा हो जाता, किसी की मृत्यु हो जाती, भगवान ना करे किसी को कोई दुर्घटना हो जाती, तो इसका जवाबदार कौन होता। तो इतने बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं के चांस इन पुलों से थे, और सरकार उसको गंभीरता से नहीं लेती। मेरा कहना है इस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि इस तरह की दुर्घटनाएं बाद में ना हो। क्योंकि अभी 1.5-2 साल पहले ही रतनगढ़ वाली माता सेवड़ा के पास हैं, वहाँ पर भी ये पुल टूट गया था, उस पर भी जाँच हुई, पर पता नहीं उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि जाँच हो, सख्त जाँच हो और सज़ा मिले। ऐसा नहीं हो कि जाँच हो और वो किसी अलमारी के अंदर वो जांच के कागज रख दिए जाएं। तो ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार को लेना चाहिए। उतई निवाड़ी के विधायक अनिल जैन को भी मानवो है कि अगर पुल इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त भाव है तो कछु न कछु तो गड़बड़ है, और ये पूरे मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सबसे कल जो पुल में दरार आई है वो चूंकि स्ट्रक्चर से 60 मीटर दूर जो अप्रोच थी, अप्रोच के कारण से उसमें दरार आ गई है, और चूंकि दरार आई है तो गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह तो निश्चित रूप से लगाया उसमें कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने उनके अधिकारियों को, जो भी NH के अधिकारी हैं, उनको निर्देश भी दिए कि इसे विस्तृत रूप से जांच भी करा लें, और अगर इसमें कहीं गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है तो उनके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। यद्यपि बताया कि स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, चूँकि जो अप्रोच है, अप्रोच के कारण से वो दरार आई है, और दरार वो उनको निर्देश भी हो गए कि उनको तत्काल ठीक करें। एक पुल जो 5 महीना पहले उद्घाटित भाव वो पहली बूंदों में ही क्षतिग्रस्त हो जावे तो फिर का कहिए, और अब सवाल वही है कि आखिर को कार्रवाई करे और की पे करे। निवाड़ी से भूपेंद्र सिंह राजावत, बुंदेली, बौछार किलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।